और ठंड की वजह से एक तरफ गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ रूम हीटर की भी बिक्री जोरों पर है। कई दुकानों में तो रूम हीटर आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। की वजह से राजधानी रांची में रूम हीटर की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। राजधानी रांची में रूम हीटर का स्टॉक लुधियाना और दिल्ली से आता है। लोकल स्तर पर भी रूम हीटर बनाए जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से बिजली दुकानदारों के यहाँ रोजाना 20 से 30 रूम हीटर बिक रहे हैं। ग्राहकों के लिए बाजार में 600 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के रूम हीटर उपलब्ध है। कई ऐसे ग्राहक भी है जो पुराने रूम हीटर की मरम्मत भी करा रहे हैं। सर, बिक्री तो बढ़ गया है, इसका रेस्पॉन्स अभी अच्छा मिला है और सेल हो भी रहा है, और अभी इधर ठंड में और सेल होगा। आज तो हम लोग उम्मीद लगाए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा और हो भी रहा है। हीटर सर मिनिमम 1200 से लेके आपको 2200, 2400, 2600 तक, हाँ, अच्छी रेंज में, अच्छी कंपनी में मिल जाता है। दरअसल रांची में पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज्यादा ठंड पड़ रही है। हवा के साथ ठंड ने लोगों को कपकपाने पर भी मजबूर कर दिया है। ऐसे में रूम हीटर से लोगों को कुछ हद तक ठंड से निजात मिलती है। देखिए, कड़कती ठंड है बहुत, उसके लिए हम लोग रूम हीटर लेने आए हैं। ठंड का बहुत ही प्रकोप बढ़ गया है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। परेशानी तो है सर, हाथ सब जम गया है। देखना होगा कि ठंड का असर कब तक रहता है। अगर ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है तो रूम हीटर की बिक्री में और इजाफा होगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कुणाल के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।